थोड़ा टेंशन हो गई है। बहुत सुबह से ही लोग ऐसे वैसे बोल रहे हैं कि भाई भाई टैक्सी वाले लूट लेंगे, भाई वो लूट लेंगे, भाई ऐसे होगा वैसे होगा। अरे भोसड़ी के क्या होगा, अरे कुछ तो बताओ क्या होगा भाई। गुड मॉर्निंग, और आप लोग का स्वागत है नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मैं हूँ। कल रात में आया था, कभी से सोया था, अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक मैं सोया था। और मैं आपको अपना रूम टूर करा रहा हूँ। तो भाई ये रहा बेड, और उसमें सामान रखने के लिए लॉकर है, और एक पंखा लगा हुआ है, और उधर भी कुछ रखने के लिए है। इधर 2 सोफे हैं और TV है केबल के साथ, और एक मिरर है। बाथरूम अटैच है, और ये मेन गेट का दरवाज़ा है। बस यही है, एक डस्टबिन है। तो भाई यही है कुछ रूम का अरेंजमेंट इस तरह से। नेपाली करेंसी के हिसाब से मुझे 700 में पड़ा है, और इंडियन करेंसी के 450। काफ़ी अच्छा है। मैं जल्दी में क्या बताएं, सस्ता ले नहीं पाया, शायद इससे भी सस्ता मैं ढूंढ लेता। तो भाई ये रहा मेरे रूम का टूर, और इसी होटल में मैं रुका हूँ, तैमूर होटल करके है। कल जो मैंने जो 2 फॉरेनर के साथ गोरखपुर से साथ मिला था उन लोगों का, और हम लोगों ने 7 घंटे भैरहवा में बिताया वहाँ पे बैठकर, और भाई काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर, थोड़ी बातें हुई। हम उनको भोजपुरी सिखाए, वो हमको थोड़ी बहुत फ्रेंच सिखाए। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वो लोग यहाँ से 2 किलोमीटर छत्रपति कोई जगह है, 196 होटल में रुके हुए हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ, कहीं घूमने के लिए चलूँगा, और काफ़ी उनसे मजे लिए भाई, उनसे भोजपुरी बुलवाए। और मैं भाई यहाँ के लोकल मार्केट में हूँ, मतलब मार्केट में ही ये होटल है, ये देखिए। और इधर और भाई हाँ, मैंने जो बॉर्डर पर से सिम लिया था स्मार्ट सेल का, वो भाई उसका सिर्फ बात करने के लिए ही अच्छा है, नेट और चलाने के लिए अच्छा नहीं है भाई। और मैं जब नेट चला रहा हूँ तो बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ पे एक सिम काम करता है नेपाल में बहुत अच्छे से, जिसका नाम है एनसेल का सिम। और बॉर्डर पे तो मुझसे पासपोर्ट नहीं मांगे, और यहाँ पे मुझसे पासपोर्ट मांग रहे हैं एनसेल के सिम के लिए। बताइए, मैं सब चीज़ लेकर आया हूँ, केवल अपना पासपोर्ट घर पे छोड़ के आऊँ कि भाई नेपाल जा रहा हूँ, जब एंट्री फ्री है, इमिग्रेशन नहीं होता है, तो क्या ज़रूरत है पासपोर्ट की, क्या ज़रूरत है? जब इंस्टाम्प नहीं लगेगा तो पासपोर्ट लेने की क्या ज़रूरत है? तो इसी के चलते मैं पासपोर्ट लेकर नहीं आया, और यहाँ पे आकर पछता रहा हूँ क्योंकि नहीं मिल रहा है एनसेल का सिम। देखते हैं भाई, कहीं तो कहीं मिलेगा। और अभी चलते हैं, पता करते हैं, कहीं आसपास घूमने के लिए चलते हैं, मज़े करते हैं। तो भाई एनसेल का सिम मुझे मिलने वाला है अभी, क्योंकि भाई हैं जो अपना ID लेकर गए हैं, लोकल के हैं, लेकर आएंगे सिम तो उनको देंगे। तो भाई एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी भाई। मैं बता रहा हूँ कि मैं जब 2 बार पहले ही आया था नेपाल में, और काठमांडू भी घूमा था, उस वक्त मेरे साथ लड़के थे, और अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ। तो सब लोग पूछ रहे हैं क्या तुम अकेले घूमोगे, क्या तुम अकेले घूमोगे। यार गजब हाल है, मैं अकेले आया हूँ तो अकेले ही तो घूमूंगा। तो बोल रहे हैं नहीं, ऐसा होता है वैसा होता है, अकेले घूमना सेफ नहीं होगा। तो एक ठो ट्रेवल एजेंसी करके है, वो 4-5 जगह घुमाएगी। तो अभी मैंने उसको 800 रुपये में बुक किया है, नेपाली 800 रुपये में, और वो हमको 4-5 जगह घुमाएंगे आज, पशुपतिनाथ, स्वयंभूनाथ, और 2-4 जगह। तो मैं घूमूंगा आज, और कल दिन में घूम लूँगा, फिर उसके बाद तो पोखरा जाऊँगा, और देखता हूँ अभी वो बस लेने के लिए आएगी मुझको, और फिर बस लेकर चलेगी हमको, तो हम जाएंगे घूमने के लिए। आप लोग को अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। अभी थोड़ा टेंशन हो गई है, बहुत सुबह से ही लोग ऐसे वैसे बोल रहे हैं कि भाई भाई टैक्सी वाले लूट लेंगे, भाई वो लूट लेंगे, भाई ऐसे होगा वैसे होगा। अरे भोसड़ी के क्या होगा, अरे कुछ तो बताओ क्या होगा भाई। अभी बस आएगी लेने के लिए, चलेंगे और आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। भाई इधर भोजपुरी भी गाना चल रहा है, आप सुन सकते हैं, थोड़ा म्यूजिक सब सुनाई दे रहा है। सुनता हूँ मैं हिंदी, नेपाल तो नहीं लगता है। हाँ, नेपाल से नेपाली गाना होता है ना इधर? तो भाई ये रहा नेपाल काठमांडू का बस स्टैंड है, और इधर सब पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, और ये देखिए। तो भाई गाड़ी में बैठ चुका हूँ, और अभी हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे, और मैं आपका आपको काठमांडू का थोड़ा लोकल
सिम दिखाऊंगा। और ये जो टूरिस्ट बस है उसमें बहुत सारे लोग हैं और ये टूर कराते हैं, तो मैंने रिकमेंड किया कि फर्स्ट सीट अगर मिल जाता तो अच्छा होता कि ताकि मैं सामने से आपको व्यू दिखा पाता, तो शायद ऐसा नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखा सकता हूँ बगल से साइड से आपको, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखेंगे सोई बुना देवी बुद्धा भगवान की सुबह, लेकिन एक काठमांडू सिटी की 20 जगह में, काठमांडू सिटी का 20 जगह में सबसे ऊंचा जगह पहाड़ में, वहां से पूरी काठमांडू व्यू पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। तो भाई इधर है पशुपतिनाथ मंदिर,